नमस्कार दोस्तों, सपने में कार्यालय के बारे में बात करेंगे। हिंदी ग्रंथ के इस नए वीडियो में, ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी को। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो नीचे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। पर हम आज बात करेंगे सपने में कार्यालय देखने का क्या अर्थ होता है। मित्रों, तो दोस्तों सपने में कार्यालय थोड़ा सा एक कॉमन टॉपिक है, तो मैं कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि आप किसी कार्यालय में पहले से जॉब कर रहे हैं और उस कार्यालय में कोई खटपट हुई है, या आप पहली बार किसी कार्यालय में गए और उसके बाद कोई सपना आया है, तो थोड़ा सा उसका फल मिश्रित हो सकता है। पर जैसे कि अगर आपने सपने में देखा कि आप कार्यालय में हैं और आप हैं एक स्टूडेंट, तो समझ लीजिए कि आपको एक बहुत अच्छी रोज़गार प्राप्ति हो सकती है। या आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और आपने खुद को किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में देखा, तो आप समझ लीजिए कि आपको रोज़गार मिलने ही वाला है। बेफिक्र हो जाएं, बस ये सपने अच्छे सपने होते हैं, तो किसी को आपको बताने नहीं चाहिए। रात को स्वप्न में कार्यालय में काम करते हुए अगर आपने खुद को देखा, जैसे आपने अपने ऑफिस में काम करते हुए देखा, अब ये आपने दुकान स्वरूप किसी ऑफिस में भी काम करते हुए देखा, तो भी ये एक अच्छा सपना है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि कार्यालय, जैसे कि अब कोई हलवाई है तो उसके लिए कार्यालय क्या है, उसका कार्य कहाँ है, जहाँ कार्य करेगा वही भाई, जो कार्यालय जो शब्द है वो कार्यालय, जहाँ कार्य हो वो कार्यालय, राइट। तो एक हलवाई के लिए उसका ऑफिस उसकी दुकान ही है, तो उस दुकान में वो कुछ काम कर रहा है रात में, ऐसा कोई सपना आता है तो उसके व्यापार में उन्नति होगी ही होगी। अब वहीं अगर आपने किसी कार्यालय को, अपने ऑफिस को, दुकान को जलते हुए देखा, तो ये एक अच्छा सपना नहीं होता, ये बिल्कुल भी अच्छा सपना नहीं होता। हाँ, ये किसी ना किसी नई विपत्ति में पड़ने का संकेत है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आपने दिन में कोई सपना देखा जिसमें आपने किसी ऑफिस के जलने की खबर सुन ली, मान लीजिए अखबार में आपने देखा कि ये ऑफिस जो था वो जल गया है, तो मित्रों फिर आपको सपना आया रात को कि मेरा भी ऑफिस जल रहा है, तो इस तरह के सपने जो होते हैं वो 100% निष्फल होते हैं। तो चिंता यहाँ नहीं करनी है आपको। ऐसे ही अगर इस तरह का सपना अगर दिन में आता है तो ये भी गड़बड़ है। अगर आप, एक बात और मैं दोस्तों बता दूं, कई बार हम रात को फ़र्ज़ कीजिए माचिस से खेल रहे हैं, बार बार लाइटर से खेल रहे हैं, और फिर आग का सपना आए तो वो निष्फल सपना माना जाएगा, क्योंकि आप सोने से पहले या शाम को खेल रहे थे आग से और फिर आपको जलने का सपना आ गया, चाहे वो घर जलने का, ऑफिस जलने का सपना आ गया। आग से संबंधित वैसे मैंने और भी सपने वीडियो पहले बनाया, आप उसको देखिएगा डिटेल में। पर ऐसे सपने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि दिन में ना आए, निष्फल ना हो, तभी इस तरह के सपने फल देते हैं। अब मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको ऑफिस जलते हुए का सपना आए तो आपको क्या करना है। जैसे आपने सपने में देखा कि आपका ऑफिस में आग लग गई है और आप उस ऑफिस में ही बैठे हुए हैं, तो आप किसी चिंता में लीन नहीं है, आप ऑफिस जल रहा है फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एक अच्छा सपना नहीं है। कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आ सकती है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो दफ्तर से रिलेटेड आए, पर चांसेस हैं कि, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो दफ्तर से रिलेटेड ही समस्या आएगी, तो यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सुबह आप अगर ऑफिस में दिया बाती नहीं करते हैं तो सुबह सुबह ऑफिस में दिया बाती ज़रूर करें। एक शिव जी की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा ऑफिस में ज़रूर रखें। वैसे ऑफिस में शिव जी, हनुमान जी और सरस्वती जी लेफ्ट में, बीच में लक्ष्मी जी और राइट हैंड साइड में गणेश जी, ऐसी एक प्रतिमा जिसमें लाल रंग ज़्यादा हो, ऐसी प्रतिमा ज़रूर होनी चाहिए। लाल और सुनहरा रंग, जो गोल्डन कलर होता है वो ज़्यादा हो, ऐसी प्रतिमाएँ, तीन प्रतिमाएँ ज़रूर होनी चाहिए ऑफिस में। अगर ऐसा हो तो दिया बत्ती करें, और ऑफिस में दिया बत्ती करने के बाद एक बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ ज़रूर कर लें, तो ये सपना थोड़े से इसके प्रभाव कम हो किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस तरह का अशुभ सपना आता है, तो ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि आपको वो सपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, जिससे उस सपने के दुष्प्रभाव कम हो सकें, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं अगले अर्थ की ओर। नया कार्यालय खोलने का स्वप्न व्यापार में लाभ देता है। आपने देखा कि आप किसी नए ऑफिस का मुहूर्त कर रहे हैं, वो ऑफिस आपका भी हो सकता है, वो ऑफिस किसी का भी हो सकता है, पर आपको इसमें बढ़ोतरी होगी ही होगी। अब इसमें कई लोग पूछ सकते हैं कि मैंने एक सपना देखा कि मैं एक नए कॉलेज, नए ऑफिस के इनॉग्रेशन में गया, पर मेरा तो कोई व्यापार है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को लाभ होगा। वो व्यापार में नहीं होगा तो किसी और फल में लाभ हो सकता है, पर लाभ ज़रूर होगा। तो यहाँ ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मुझे फल नहीं मिलेगा। हाँ, अब दिन में ये सपना आएगा तो बिल्कुल फल नहीं मिलेगा, इसका रात को सपना आता है। अब रात को भी मैं बता दूं कि 11 से 4 के बीच में सपने, ब्रह्म मुहूर्त तक के जो सपने होते हैं, सबसे अच्छे सपने होते हैं।
पर समस्या ये होती है कि कई बार हम 4 बजे जो सपना देखते हैं फिर सो जाते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो कई बार ये सपना हम भूल जाते हैं, तो दिन में वो सपना फिर याद आता है। तो उस पर बहुत गूढ़ चिंतन करने की, 5-10 मिनट बैठ कर सोचने की ज़रूरत है कि ये सपना क्यों आया, कैसे आया, और फिर उसको समझने की ज़रूरत है। तो ज़रूर समझें, देखें दोस्तों, सपनों की दुनिया कुछ ऐसी ही है कि कई बार हम एग्जैक्टली डायग्नोज नहीं कर सकते कि किसको क्या सपना आया है। तो अगर आपको कोई इसके अलावा सपना आए, कुछ अलग स्पेसिफिक सपना आए, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में हमको लिखें, टाइप करके डिटेल में जितना टाइप कर सकते हैं वो आप लिख कर हमको बता सकते हैं, जिससे कि मैं उस सपने से संबंधित आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। आप अगर डिटेल में लिखते हैं तभी मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना सकता हूँ, अन्यथा मेरे लिए आपके लिए वीडियो बनाना एक बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है। मुझे समझने में कई बार परेशानी होती है, कई बार कुछ लोग आधी हिंदी लिखते हैं आधी इंग्लिश लिखते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखें, पर जितना डिटेल से लिख सकते हैं उतना डिटेल से किसी एक भाषा में ही सपने को लिखें, इंग्लिश में चाहे हिंदी में, किसी एक भाषा में लिखें जिससे कि मैं समझ सकूं। ये भी लिखें कि वो सपना आपको कितने दिन पहले आया था। एक बात मैं और बता दूं कि सपने किस समय पर आ रहे हैं उसका फल उसके अकॉर्डिंग ही सेट हो सकता है। जैसे कि आपको 11 बजे सपना अगर आया तो 6 महीने से 7 महीने के अंदर उसका प्रभाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का सपना आया तो महीने भर के अंदर ही आपको, कई बार 15 दिन में ही आपको उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर आपको सपना एज इट इज़ याद है, ब्रह्म मुहूर्त में आया और आप उठे 6 बजे 7 बजे, फिर भी आपको सपना अक्षरतः याद है, तो ये वो सपने के पक्के होने की बहुत बड़ी निशानी है। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस प्रकार के सपनों पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अभी बताए हुए सपने से कुछ अलग सपना आया है, या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है, या कोई विशेष सपना आया, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि मैं रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकूं। मेरा ये वादा है कि मैं आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद ही कोई ना कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा। आपने पुराने वीडियोस में हमारी किताबों का भंडार तो ज़रूर ही देखा होगा, आप जान ही गए हों कि हम किसी ना किसी प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी सटीक जानकारी ही आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। आपको ऐसे चैनल से सावधान रहने की ज़रूरत है जो व्यूज़ के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। हमारे हिंदी ग्रंथ के प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को और इन सपनों के जो वीडियो जो हम आजकल इस पूरी सीरीज़ को लेकर आए हैं आपके समक्ष, इस तरह के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोगों को समझ में आए कि हमारे शास्त्रों में भी स्वप्न के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे रखी है, बस ज़रूरत है तो उन्हें पढ़ने की, समझने की और अपने डेली विहार में उनको ढालने की। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यही आशा करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।